नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खाता बुक ऐप्स के बारे में, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर खाता बुक को सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद देखिए, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। खाता बुक ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां पे अभी खुल रहा है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज में हमें यूज करना है। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए, स्टार्ट यूजिंग खाता बुक, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ गया, क्योंकि हमें इसमें रजिस्टर करना होता है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट पिन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, वेरीफाई हो रहा है और यहाँ पे 6 डिजिट का पिन आ गया। वेरीफाई हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एड कस्टमर। इस पर क्लिक करके हम कस्टमर को ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये टू एडेड कस्टमर अलाउ टू खाता बुक एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद देखिए, अगर पहले से कोई खाता बुक पर है तो उसको कर देगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे अगर कोई कस्टमर है तो कस्टमर का यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो मान लीजिए मैं एक नाम लिख रहा हूँ, अनुज कुमार, और मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहा है, यू गेव यू गॉट, यानी अगर आपने दिया है पैसा या कोई सामान दिया है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर किसी से लिया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए मैंने सामान दिया है या पैसे दिया है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रेड वाले पर। देखिए अब मैंने कितना पैसा दिया है वो अमाउंट यहाँ पर मैं डालूंगा, या कितने पैसे का सामान दिया हूँ वो अमाउंट यहाँ पे डालूंगा। मान लीजिए मैं 800 दिया हूँ, 800 अमाउंट डालने के बाद देखिए यहाँ पे डिटेल्स, आइटम नेम, बिल नंबर या क्वांटिटी, मैंने कितने क्वांटिटी में दिया है, या अगर कोई बिल है तो उसका बिल नंबर यहाँ पे लिखने के लिए ऑप्शन आ गया। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, डेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आया है, आप किस डेट में दिए हैं वो डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर अगर कोई फ़ोटो है, कोई रिसीविंग है तो आप गैलरी या कैमरा में जाके वहाँ से लोड कर सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कि सेंड फ्री SMS टू खाता बुक अनुज कुमार एंड गेट 3x फास्टर पेमेंट्स, यानी पेमेंट पाने के लिए रिमाइंडर के लिए यहाँ पे मैसेज सेंड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। उस कस्टमर से हमें कितना अमाउंट लेना है देखिए यहाँ पर शो कर रहा है अकाउंट उनका, जिनसे हमें लेना है, अभी जिनको सेव किया है हमने। अगर मान लीजिए उन्होंने हमें 500 रुपये दे दिया, यानी हमने पाया, अगर 500 रुपया उन्होंने दे दिया है तो हमें मिला, तो यहाँ पे देखिए यू गॉट पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए 500 उन्होंने दे दिया तो हम यहाँ पे 500 डाल के, और किस डेट में दिया है आ गया है डालने के लिए, आप डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए अब उनके अकाउंट में, अगर 800 पहले हमने दिया था उन्हें या कोई सामान दिया था तो 500 उन्होंने दे दिया है, तब देखिए यहाँ पर 300 अमाउंट बचा हुआ है, यानी 300 उनसे हमें लेने हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए रिमाइंडर भेजना है तो हम यहाँ पर SMS भी भेज सकते हैं। देखिए वहाँ पे खाता अनुज कुमार यहाँ पे आ रहा है, देखिए उनका नंबर शो कर रहा है और यहाँ पर SMS आ गया, तो हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देंगे तो उनके पास SMS चला जाएगा। पर रिमाइंडर अगर WhatsApp से हम भेजना चाहते हैं तो WhatsApp पर टाइप करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर WhatsApp पर ये 300 रुपीज़ हमको लेना है रिमाइंडर भेजना है, तो शेयर पर क्लिक करेंगे।
शेयर पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप खुलेगा और व्हाट्सएप पर यहाँ से हम सेंड कर देंगे तो उनके पास चला जाएगा। पर एक पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट पर क्लिक करते हैं। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो कर रहा है ऐड योर बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेंगे, अकाउंट वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो गया सक्सेस, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, 100 रुपया डालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट मनी पर क्लिक कर देंगे, पेमेंट लिंक जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो उनके पास लिंक चला गया है पेमेंट के लिए। अब वो हमें पैसे पे कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू। रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, देखिए हमने कितना दिया है और कितना पाया है, यहाँ पे वो सब शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, लिख रहा है एड ट्रांजेक्शन्स कमेंट इन कस्टमर्स रिपोर्ट, यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए पीडीएफ में डाउनलोड हो गया। पीडीएफ में डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से डाउनलोड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और जो हमने डाला था जनरल स्टोर वो यहाँ पे शो कर रहा है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो कर रहा है, कब से कब तक कितना मिला है और कितना अभी लेना है और कितना का उधार था वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह हमें दूसरा कस्टमर ऐड करना होगा तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मोर पर चलते हैं, मोर सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर अपना स्टोर का नाम भी एडिट कर सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पर। और रिक्वेस्ट मनी, ये इतने सारे ऑप्शन हैं, किससे लेना है, क्या लेना है, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड न्यू, यानी अब क्यूआर कोड्स भी भेजकर, क्यूआर कोड स्कैन करवा के भी मनी मंगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पर शो कर रहा है, अगर आपको यहाँ पर देखना है पेमेंट हिस्ट्री तो यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए प्रोसेसिंग में है जो हमने रिक्वेस्ट भेजा था। बैक करते हैं, चलते हैं यहाँ पर देखिए बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड में चलते हैं, यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर डालेंगे अपना और टैग लाइन, शॉप ऑफिस एड्रेस, ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑप्शनल है, ये डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह का बिजनेस कार्ड बनकर तैयार होता है। देखिए यहाँ पर अपना डिटेल्स डालने के बाद इस तरह का कुछ इस तरह का कार्ड शो करेगा, कार्ड बनेगा, फ़ोन नंबर, टैग लाइन, एड्रेस, ईमेल एड्रेस। अब इसको हम व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं शेयर ऑन व्हाट्सएप, शेयर ऑन व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए भेजते हैं तो कुछ इस तरह का दिखेगा अपना कार्ड और इस कार्ड को हम किसी पर भी शेयर कर सकते हैं। सेटिंग पर क्लिक करते हैं, देखिए इसमें हम लॉक भी लगा सकते हैं, पासवर्ड डालकर कोई भी हम लॉक लगा सकते हैं अपने खाता बुक ऐप पर। फिर उसके बाद यहाँ पर बैकअप इन्फॉर्मेशन शो करेगा, लास्ट बैकअप कब का है, तो यहाँ पर बैकअप इन्फॉर्मेशन भी शो करता है। और खाता बुक अगर डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट खाता, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना नाम डालेंगे जिस नाम से हमारा खाता बुक चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने डाला है क्या, जनरल स्टोर। स्टोर डालने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिलीट, डिलीट पर क्लिक करेंगे तो हमारा खाता बुक डिलीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो इस पर क्लिक करेंगे कि कैसे इसको यूज करें, यहाँ पर ये गाइडलाइंस के लिए दिया है। व्हाट्सएप पे अगर हम हेल्प चाहते हैं तो इस पर हेल्प ऑन व्हाट्सएप पर जाएंगे, अगर कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करेंगे, कॉल करना चाहते हैं तो कॉल अस पर क्लिक करेंगे, अगर चैट करना चाहते हैं तो चैट अस पर, चैट विद अस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।